डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना। जैसा कि जानते हैं, अभी हम लोग साइंस में नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इस नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर में हम लोगों ने एक टॉपिक लिखा था पिछले क्लास में, मानव मस्तिष्क। तो मानव मस्तिष्क को हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। मानव मस्तिष्क वाले टॉपिक्स में ही हम लोग दो पॉइंट्स को नोट किया था। चलिए उसी के नीचे थर्ड पॉइंट्स को नोट करते हैं। तो थर्ड पॉइंट्स में नोट करेंगे, पहले नोट कर लेंगे, फिर हम चीज़ों को समझाएंगे। तो लिखा जाए, जो प्रतिक्रिया हमारी इच्छा से होती है, जो प्रतिक्रिया हमारी इच्छा से होती है, उन्हें ऐच्छिक क्रिया कहते हैं, उन्हें ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। पूर्ण विराम। इन पर हमारे मस्तिष्क का नियंत्रण होता है, इन पर हमारे मस्तिष्क का नियंत्रण होता है। जैसे उसके नीचे लिखेंगे, जैसे मैं लिखना, कॉमा, बातें करना, कॉमा, कुर्सी घुमाना, कॉमा, कार्यक्रम समाप्त होने पर ताली बजाना आदि, कार्यक्रम समाप्त होने पर ताली बजाना आदि। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, जो प्रतिक्रिया हमारी इच्छा के अनुसार होती है, इसको ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। ये सवाल आता है कि ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया का मतलब क्या है। तो याद रखिएगा कि जो हमारी इच्छा के अनुसार क्रियाएं यानी कि काम होती है, उसको क्या कहते हैं? ऐच्छिक क्रिया। जैसे कि लिखना, हमको मन हुआ तो लिखेंगे, नहीं मन हुआ तो नहीं लिखेंगे। बात करना, मन हुआ तो बात करेंगे, नहीं तो नहीं। कुर्सी घुमाना या कोई और काम करना, तो कहने का मतलब कि हम लोग ऐच्छिक क्रिया उसको कहते हैं जो अपने इच्छा के अनुसार करते हैं। कार्यक्रम समाप्त हुआ तो ताली बजाना मेरा काम है। कुल मिलाकर मेरा इच्छा नहीं है कि ताली बजाने का, तो हम नहीं भी बजा सकते हैं। तो ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? ऐच्छिक क्रिया। तब आप बोलेंगे कि सर, तब आप ये बता दो हमको कि अनैच्छिक क्रिया किसको कहेंगे? तो जी हाँ, जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हमारा मस्तिष्क नियंत्रित नहीं कर सकता है। जैसे अगर आप हृदय को धड़कन है, आप चाह के भी हृदय को धड़कन को नहीं रोक सकते हैं। चाहे हृदय के धड़कन के लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको माइंड को उसके लिए अलग से एक सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप पलके झपका लेते हैं बात बात में, ये पलक झपकाने के लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप जो खाते हैं भोजन, भोजन पच जाती है, आपको भोजन को पचाने के लिए आवश्यक सोचना नहीं पड़ता है। आपका धीरे धीरे बाल बढ़ता है, सर का बाल, उसको सोचना नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब, हमारे शरीर में ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं जिसको हमको कोई टेंशन उसके लेकर सोचना ही नहीं पड़ता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम अभी पढ़े ऐसी क्रियाएं जिसको हम लोग अपने नियंत्रित कर सकते हैं, हमारा मस्तिष्क नियंत्रित करता है, उसको कहते हैं ऐच्छिक क्रियाएं। जैसे मैं भी लिख लिया, चलिए उसके आगे हम लोग नोट डाउन करते हैं। फिर लिखेंगे नेक्स्ट एरो, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा शरीर के अन्य भागों में संचार को परिधीय तंत्रिका तंत्र सुगमता से प्रदान करता है। याद रखिएगा,
अब एक तंत्रिका तंत्र का केंद्र होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा शरीर के अन्य भागों में संचार को परिधीय तंत्रिका तंत्र सुगमता से प्रदान करता है। इसका मतलब क्या है देख लीजिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, आज एक नया तंत्रिका तंत्र मिला जिसको परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ये दोनों तंत्रिका तंत्र जो हैं हमारे शरीर के से जितने भी सूचनाएं हैं उसको संचार के माध्यम से, जैसे अगर मान लिया कि आपका दोस्त दिल्ली में है और आप अभी औरंगाबाद या नवी नगर में हैं, तो आपका दोस्त से कांटेक्ट हो जाता है किस व्यवस्था से, तो उसको कहते हैं संचार की व्यवस्था। यानी कि ऐसा कोई सूचनाएं जो जिस मार्ग से आपके पास पहुंचती है उसको कहते हैं संचार व्यवस्था। पहले संचार का व्यवस्था था पत्र, नहीं पहले कोई भी सूचना प्राप्त होता था तो पत्र पोस्ट ऑफिस से आता था, तब वो पत्र भी एक तरह का संचार व्यवस्था हुआ। लेकिन संचार का आज के डेट में तरंग के रूप में वहाँ से सूचनाएं प्राप्त होती है, वह एक संचार व्यवस्था कहलाती है। उसी तरीके से हमारे शरीर के में जितने भी शरीर के भाग हैं उसमें सभी भागों से संचार की जो व्यवस्था, संचार की व्यवस्था या संचार का जो प्रदान होता है वो परिधीय तंत्रिका तंत्र या बोले तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से सुगमता से प्रदान होती है। फिर लिखा जाए नेक्स्ट रो, परिधीय तंत्रिका तंत्र कौमा कौमा मस्तिष्क से निकलने वाला, मस्तिष्क से निकलने वाला, मस्तिष्क से निकलने वाला कपाल तंत्र तथा मेरुरज्जु से निकलने वाला, मेरुरज्जु से निकलने वाला मेरु तंत्रिका से बनी होती है, मेरु तंत्रिका से बनी होती है। देख लीजिए, अभी हम लोग बात किए ना कि परिधीय तंत्रिका तंत्र, अब ये जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है ये किससे बनी होती है, तो दो चीजों से मिलकर बनी होती है, याद रखिएगा। एक हो गया कपाल तंत्र और एक हो गया मेरु तंत्र। तो दो तंत्रों के मिलने से क्या बनता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब सवाल उठता है कि ये कपाल तंत्र कहाँ पाया जाता है, तो ये हमारा मस्तिष्क में पाया जाता है, और ये मेरु कहाँ पाया जाता है, तो ये मेरु रज्जु में पाया जाता है। तो याद रखना कि परिधीय तंत्रिका तंत्र जो है दो चीजों से मिलकर बनी है, कपाल तंत्र से और मेरु तंत्र से। अब कपाल तंत्र कहाँ पाई जाती है, तो मस्तिष्क में, मेरु कहाँ पाई जाती है, तो मेरु रज्जु में। तो याद रखिएगा, परिधीय तंत्रिका तंत्र दो चीजों को मिलने से बनी है, एक का नाम है कपाल तंत्र जो मस्तिष्क में होता है और एक होता है मेरुरज्जु। चलिए अब जरा हम एक फिगर बनाए हैं जिसको हम बोल रहे हैं कि ये हमारा मस्तिष्क है, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। एक तरीके से ये जो मस्तिष्क बनाए हुए हैं ये क्लियर नहीं है, बस आपको समझाने के लिए बनाया गया है। हम आपको स्क्रीन पे मस्तिष्क का जो फिगर है वो दिखा देंगे और आप इसको नोट्स कर लीजिएगा। हालांकि अभी एक तरीके का फिगर जो आपको बनाया है पेन की सहायता से, ये आपको समझाने के लिए, आप जो है अपने नोटबुक में जो मानव मस्तिष्क का जो फिगर है या उसके भाग हैं उसको आप पेंसिल की सहायता से ड्रॉ कर चुके होंगे, अगर नहीं किए होंगे तो आप ज़रूर इसे कर लेंगे। चलिए तो अब देखिए, ये है हमारा मानव ब्रेन या मानव का दिमाग बोलिए, मस्तिष्क बोलिए। इसमें जो है मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं, मस्तिष्क हमारा जो है मेन तीन भाग में बटा है। एक को कहते हैं अग्र मस्तिष्क, एक को कहते हैं मध्य मस्तिष्क, ये बीचे वाला को मध्य बीचों बीच जो है, और पीछे वाला जो भाग है उसको पक्ष मस्तिष्क कहते हैं। अब पक्ष मस्तिष्क में आ गया अनुमस्तिष्क, मेंडुला, ये सब जो है इधर वाला भाग, ये सब किस में आ गया, पश्च मस्तिष्क, और ये बीचों बीच वाला आ गया मध्य मस्तिष्क, और ये हो गया अग्र मस्तिष्क।
और ये जो हमारा मस्तिष्क है बहुत ही कोमल पदार्थ है, ये किसी से अगर टच होगा या कहीं से अगर टकराएगा तो तुरंत ही उसमें फॉल्ट आ जाएगा। इसलिए हमारा मस्तिष्क को बचाने के लिए एक बॉक्स है जिसमें हमारा मस्तिष्क फिट है, उसको कपाल कहते हैं। कपाल का मतलब इसको जनरल भाषा में खोपड़ी भी कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारा मस्तिष्क जो है फिट है। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, मानव का जो मस्तिष्क है, दिमाग है, वो बिल्कुल कोमल है। वो किसी अन्य चीज़ से गलती से भी चोट लग गया कहीं पे भी दिमाग में, तो अगर खोपड़ी नहीं रहता तो फिर हम लोगों का ब्रेन हैमरेज होने का शिकायत होता है, या फिर बहुत ही जल्दी हमारा दिमाग नष्ट, काम ही करना बंद हो जाता है। इसके लिए गॉड ने हम लोगों को एक तरीके से उसको रक्षा करने के लिए एक कपाल बनाया, जिसको खोपड़ी कहते हैं, यानी कि उसी खोपड़ी में हमारा दिमाग जो है स्थित है, बैठाया हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि हमारा जो दिमाग है वो कुल मिलाकर तीन भाग में बटा हुआ है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब अग्र मस्तिष्क का काम क्या है, तो अग्र मस्तिष्क का मुख्य काम है सोचना, ठीक है। जैसे मान लिया कि हम लोग बहुत सारे डिप्रेशन में, या हमको अगर कोई बोल देता है तो हम उस पर गौर विचार करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, तो ये हमारा मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचता है, अग्र मस्तिष्क। यानी कि अग्र मस्तिष्क का काम होता है कि किसी भी काम को लेकर सोचावट करना। अच्छा, मध्य मस्तिष्क की बात कर रहे हैं, जो हमारे दिमाग के बीचों बीच फिट है, इसका बात करते हैं तो इसका काम है हम किसी चीज़ को सुगंध ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ किसी के यहाँ कुछ पुआ पकवान बनता है, उसका गंध हमारे नाकों तक आता है, तो ये कौन दिमाग काम करता है, तो हमारा मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क की वजह से हम टेस्ट का पहचान कर सकते हैं, मध्य मस्तिष्क की वजह से हम अपने किसी दूसरे के आवाज़ को सुन सकते हैं, यानी कि सुनना, सूंघना, देखने का भी काम करता है हमारा मध्य मस्तिष्क। यानी मध्य मस्तिष्क का काम है सूंघना, सुनना, देखना, स्वाद का पता लगाना, ये हमारा मस्तिष्क का बीच वाला भाग काम करता है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ ये उठता है कि जो भी अल्कोहल लेने वाले लोग होते हैं, यानी कि जो भी दारू ताड़ी पीने वाले लोग होते हैं, यानी कि जो भी नशे वाले लोग करने वाले होते हैं, उनका दिमाग का कौन सा भाग पे असर करता है, जिसके वजह से देखते होंगे कि कोई भी अल्कोहल पिया आदमी और उसको 15-20 मिनट के अंदर अंदर उसको बेहोश, कुछ अता पता नहीं है, यानी कि उसका सोचने का शक्ति जो है नष्ट हो जाता है। तो इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है, कई बार 10th क्लास में आ चुका है कि कोई भी अगर नशीली दवाओं का जो है इफेक्ट, प्रभाव हमारा मस्तिष्क के कौन से भाग पर पड़ता है, अग्र भाग पर, क्योंकि आगे वाला मस्तिष्क जो है हमारा सोचने वाला होता है। और जो भी हम लोग अल्कोहल लेते हैं, जो भी व्यक्ति दारू पीते हैं, तो उनका शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि हमारा आगे वाला मस्तिष्क ही है जो हमारे पूरे बॉडी के, शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। अब अग्र मस्तिष्क जो है हमारा सोचने वाला है भाग, या बोल सकते हैं हमारे शरीर के संतुलन करने वाला भाग होता है। तो याद रखिएगा कि जो भी अल्कोहल लेने वाले लोग होते हैं, या फिर नशेड़ी लोग होते हैं, जो नशा करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनका दिमाग पर, यानी कि उनका जो प्रभाव है दिमाग के किस भाग पर पड़ता है, अग्र भाग पर। इसलिए उनके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, उनका शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, इसीलिए वो कहीं पीला के बाद वो खड़े नहीं रहेगा, वो अड़बड़ाइल रहेगा, उसका कुछ शरीर में शक्ति ही नहीं रहेगा, इसीलिए फेकाइल चलता है रोड पर। तो कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा, इसके अलावा भी और बात याद रखिएगा कि जो हम लोगों का अग्र मस्तिष्क है वो हमारी ऐच्छिक क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। ऐच्छिक क्रिया किसको कहते हैं, जिस पर हमारा कंट्रोल, हमारा मस्तिष्क जो है कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। जैसे मान लिया कि किसी कोई हमको एक थप्पड़ मार दिया, तो उसको हम लोग, हमको उसको मारना है, यही सोचने के लिए इसको या तो हमको कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं तो उसको दो लपड़ा लपड़ा सकते हैं। तो ये जो ऐच्छिक क्रिया का नियंत्रण, याद रखिएगा, कौन करता है, अग्र मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क का काम है स्वाद, गंध, देखने का, ये सब को कंट्रोल करता है। अब आते हैं पीछे वाला मस्तिष्क। पीछे वाला मस्तिष्क में अनु मस्तिष्क आ गया, ये मेंडुला आ गया, पीयूष ग्रंथि, सब स्रावित होता रहता है, ये सब
पक्ष मस्तिष्क का भाग है। तो पक्ष मस्तिष्क का काम है अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करना, यानी उसका काम है कि हृदय अच्छा से धड़क रहा है कि नहीं, पलक को झपकाना, यानी कि जो अनैच्छिक क्रिया होंगी उसको, यानी कि ऐच्छिक हो गया अग्र मस्तिष्क द्वारा कंट्रोल और अनैच्छिक हो गया पक्ष मस्तिष्क द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो कुल मिलाकर अब चलिए आपको हम फिगर दिखा देते हैं जो ब्रेन का हम आपको यहाँ पे अभी दिखा रहे थे। चलिए अब स्क्रीन पर आपको जी हाँ दिख रहा होगा, ये रहा आपका ब्रेन और यही ब्रेन के हम अगले वाले भाग को देख पा रहे होंगे। ये रहा आपका अग्र मस्तिष्क और ये मध्य मस्तिष्क यानी कि जो बीचों बीच वाला पार्ट्स है, और ये रहा हम लोगों का मध्य मस्तिष्क जो पीछे की भाग है। तो कुल मिलाकर यही तीनों भाग जो होते हैं हमारे मस्तिष्क में उपस्थित हैं और यही तीनों का जो अलग अलग कार्य है। इसके बाद हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे कि आखिर अगले अगले भाग का काम क्या क्या है। तो इस तरीके से फिगर तक के ड्रॉ कर लिए होंगे और इसके बाद हम अलग अलग भाग के बारे में चर्चा करेंगे अगले क्लास में। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।